गदर की सकीना और फमीशा पटेल कोर्ट के चक्कर जल्द ही लगाने वाली हैं। धोखाधड़ी के मामले में एक्ट्रेस को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2018 का है। रांची के फिल्म प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उनका आरोप है कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही अमीषा पटेल पर फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने का भी आरोप लगा है। दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने अमीषा से पैसे की मांग की। काफी टालम टोल ना नकार के बाद अमीषा ने अक्टूबर 2018 में 2.5 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए के 2 चेक अजय को दिए, लेकिन समय के साथ साथ दोनों चेक बाउंस होते गए। इस मामले में अमीषा पटेल को उपस्थिति के लिए कई बार समन भी जारी हुआ। इसके बावजूद वो अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो पाई। वारंट जारी होने के बाद बीते साल 19 जून को उन्होंने सिविल कोर्ट में आखिरकार सरेंडर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10,000 के 2 बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। अब केस पर आगे की कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस को रांची सिविल कोर्ट में 27 फरवरी को खुद मौजूद होकर बयान दर्ज कराने का ऑर्डर दिया गया है। सोचने वाली बात तो ये है कि गदर 2 से जमकर पैसे कमाने वाली अमीषा पटेल 2.5 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर को वापस आखिर क्यों नहीं कर पाई। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।